हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप को नेमिंग रेंज से कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली नेमिंग रेंज का यहाँ पर मतलब क्या, उसका यूज क्या है, सो पहले हम उसके लिए बात कर लेते हैं। जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं, जैसे मैं आपको लगा देता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ F4 से। अब जो हमारा टेबल अरे है उसको हमें बार बार जाकर ऐसे सिलेक्ट करना पड़ता है। F4 में इसको फ्रीज कर देता हूँ और मैं हमें मार्क्स चाहिए तो नंबर 2 देन कोमा देन एग्जैक्ट मैच बड़ा, तो ये हमारे पास आंसर तो आ गया 64, जो बिल्कुल सही भी है। स्टूडेंट्स का नाम 64 है तो इसके मार्क्स 64 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसमें दिक्कत ये है कि हमें बार बार जाकर जो हमारी नेमिंग रेंज है, जो हम वी लुकअप में यूज करते हैं टेबल अरे, जो हमारी जो टेबल अरे इसको हमें बार बार जाके सिलेक्ट करना पड़ता है। इसे हम सिलेक्ट ना करके डायरेक्टली यहाँ पर कोई नाम लिख दें जिससे कि वो अपने आप सिलेक्ट हो जाए, तो उससे हमारा जो काम और भी ईजी और उससे आसान हो जाएगा। तो वो कैसे करते हैं, आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और जो मेरा डेटा है, जो मेरा टेबल अरे है, जो मैं इस फॉर्मूले में यूज करूंगा उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया ऐसे, देन आप यहाँ पर जाएंगे नेम बॉक्स के अंदर, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखो करता हूँ मैं, इसको मैं कुछ भी नेम दे सकता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ डेटा, देन मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब इस टेबल का नाम डेटा है, जब भी मैं यहाँ पर टेबल अरे के अंदर डेटा लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लेगा। हम देख लेते हैं कैसे, इक्वल्स टू ये लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये है। अब टेबल अरे में हमें इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है बार बार, हमें सिर्फ यहाँ पर जो हमने इसको नाम दिया वो नाम ले लेते हैं हम डेटा। तो देख सकते हो डेटा नाम से अपने आप यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बन चुकी है, इसको मैं टैब कर सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए किसने अपने आप ही इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया। इक्वल्स टू नंबर 2 में मार्क्स चाहिए इसलिए और एग्जैक्ट मैच, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। इससे हमें मदद होती है कि हमें बार बार इस रेंज पर जाकर इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी तो जो हमारी रेंज है ये एक ही शीट के ऊपर है, कल को हो सकता है कि जो हमारी टेबल है ये किसी और शीट के ऊपर हो, हमें बार बार उस के ऊपर जाना ना पड़े, इसलिए हम उस शीट के अंदर जाकर उस टेबल को एक नेमिंग रेंज दे देते हैं और बाद में उस रेंज का नाम टेबल में हम लिख के उसको सीधा यूज कर लेते हैं। तो ऐसे हम वी लुकअप प्लस नेमिंग रेंज यूज करते हैं एक्सेल के अंदर।